And to run, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दू हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं नितिन सागवानी फर्स्टर मेंवर करूंगी अगर आपको पसंद आया तो गिव विद्स अप डू सब्सक्राइब टू तो माई चैनल शेयर फ्रेंड्स और अगर वीडियो पसंद नहीं आया मुझे कॉमेंट्स से बताया आपको पसंद क्यों नहीं आया फाइन तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेजर थियोरटिकल इन रिसर्च मेथडोलॉजी पहले हम देखते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी होता क्या है देखो एक मेथडोलॉजी में सारे प्रोसेस जैसे रिसर्च डिजाइन बनाना ठीक है डेटा एग्जामशन लॉजिक्स वगैरह जो भी आप उस प्रोसेस में रिसर्च करने के प्रोसेस में आप जो भी सारी चीजें करते हो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी आप सोशोलॉजी uh, की क्या क्या है? रिसर्च मैथडोलॉजीज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ठीके? देखो जो ये रिसर्च मेथेडॉलॉजी है इट इज इनरिस्च बाय डिफरेंट रिसर्चर्स इस रिसर्च मेथेडोलॉजी के अंडर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चर्स आते हैं जिनकी आइडियोलॉजी बिलीव्स एक दूसरे से वैरी करते हैं इसमें आपके हो गए पॉजिटिविस्ट फंक्शनलिस्ट इंटरप्रटिविस्ट क्रिटिकल फेमिनिस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट वगैरह ये चीजें हमें इन डिटेल डिस्कस करनी है आगे आगे जैसे हम चैप्टर बाय चैप्टर बढ़ते जाएंगे आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होती रहेंगी क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में हमें यही कुछ डिस्कस करना है ठीक है पोस्ट मॉडर्निस्ट आपके कौन से होते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट ऐसे अलग से कोई ये नहीं देखे है टॉपिक आपके सिलेबस में बस कहीं कहीं आप देखोगे अगर आंसर में भी पोस्ट मॉडर्निस्ट का भी जिक्र करोगे तो ब्राउनी uh, पॉइंट्स मिलेंगे आपको पोस्ट मॉडर्न बेसिकली होते हैं जो जो स्टैब्लिश ऑर्डर के अगेंस्ट है जैसे इस्टैब्लिश ऑर्डर बना हुआ है रिलीजन को इस तरीके से फॉलो करना है ये एक एक्टिश्ड ऑर्डर है या कोई यूनिवर्सल लॉज बने हुए हैं ये इस चीज को डिनाई करते हैं इनका मीनिंग है कि आप चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करो सब कॉन्टेक्स्ट देखो एक जनरल यूनिवर्सल लॉ जो है वो एप्लीकेबल हर जगह नहीं होता है तो बेसिकली जो इस्टेब्लिश ऑर्डर बना हुआ है उसको डीकन्स्ट्रक्ट करते हैं ठीक है आई गेस पुराने लेक्चर्स में इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं मैंने कहीं इसके बारे में आपको बताया है फॉरवर्ड एक जो पॉजिटिविट रिसर्चर है तो यू ऑलरेडी नो पॉजिटिविस्ट कौन से होते हैं दो इन्फ्लुंस बाई नेचुरल साइंसिस वो कहते हैं वी शुड स्टडी सोशोलॉजी द सेम वे नेचुरल साइंस इज बिंग स्टडीड दैट मीन ऑन द लाइन्स ऑफ नैचुरल साइंस जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन है एक्सपेरिमेंटेशन है ठीक है तो इनका ये बोलना है कि जो मीनिंग्स हैं मोटिव्स हैं फीलिंग्स हैं वो जो है आपके इसमें रिसर्चर्स को रिसर्च को फॉल्टी बनाती है इसीलिए उन पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए आपको स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव रिसर्च करनी चाहिए टॉपिक्स को लेके जिन भी टॉपिक्स पे आपको पढ़ना है और वो होना चाहिए स्ट्रिक्टली ऑन द लाइंस ऑफ नेचुरल साइंसिस वाइल्ड ए पॉजिटिव रिसर्चर जो है लीन टवर्ड्स क्वांटिटेटिव होता है बेसिकली जिसमें आपका न्यूमेरिकल डेटा को आप एनालाइज करोगे उससे आप अपना पैटर्न ड्रा करोगे फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वगैरह ठीक है और आपके नॉन uh, पॉजिटिव गए जो कॉन्टेक्स्ट सोशल फिनोमेना फीलिंग्स मोटिव्स इन सब चीजों पे ध्यान देंगे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू मेथड जब इंटरव्यू किसी को करता है एक इंटरव्यू और इंटरव्यू के बीच में एक रेपो डेवलप होता है तो वो उसके जेस्टर्स नोट करता है फाइन जो अनस्पोकन वर्ड अनसे उसकी फीलिंग्स हैं उनसे भी कुछ कंक्लूजन डिराइव करता है तो उस सब मेथड को हम क्वालिटेटिव मेथड बोलते हैं और uh, जो पॉजिटिव यूज करते हैं वो स्ट्रिक्टली क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स है ये हमें आगे भी पढ़ना है इनके बीच में डिफरेंस वगैरह एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली तो हम ये पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में ये देख लो जो सोशोलॉजिकल अप्रोचेस है उनको आप दो में डिवाइड कर सकते हो एक तो आपकी माइक्रो आ गई एक और आपकी मैक्रो आ गई ठीक है माइक्रो को आप इंटरप्रेटिव बोलो मैक्रो पॉजिटिविस्ट हो गए हो गए जो जो फीलिंग्स मोटिव्स, जो फीलिंग्स मोटिव्स एक्शंस एक्टर्स एक्टर्स की है ने अपने एक्शन को क्या मीनिंग दिया है ठीक है उस चीज पे फोकस करेंगे और मैक्रो पॉजिटिविस्ट मीन्स यूनिवर्सल थियोरीज बनाओ ठीक है ग्रैंड बड़ी बड़ी बातें नेचुरल साइंस के बेसिस पे जो सोसाइटी को स्टडी करो फंक्शनलिज्म भी इसी स्कूल ऑफ थॉट का है और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट भी इसी पॉजिटिविज्म से डिराइव किया गया है ठीक है ये भी पॉजिटिविस्टिक आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है जैसे आपके मार्क्सिस्ट वगैरह वो हम आगे देखते हैं अब हमें इन डिटेल पढ़ना है जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है वो हमें डिटेल में नीचे डिस्कस करना है अब देखो पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक ठीक है ये ऑगस्ट भाई साहब है यहाँ पे उनको ऑफ सोशोलॉजी बोला जाता है। He was so much inspired by natural sciences कि उन्होंने पहले डिसिप्लिन का नाम सोशल फिजिक्स ही रखा था ठीक है उसके बाद में लेटर ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी जो अर्ली सोशोलॉजिस्ट है इन दो चीजें दो क्वेश्चंस जो फेस करना चाहते थे जिनको वो एक्सप्लेनेशन देना चाहते थे वो थे सब्जेक्ट मैटर क्या होगा और मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए ठीक है जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हैं जैसे सेंट साइमन हो गया कॉम स्पेंसर पेंसदेम हो गया दे लेटी फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिविस्टिक थियोरी फाइन पॉजिटिविस्टिक थियरी अगेन नेचुरल साइंस पे डिपेंड करो अपनी रिसर्च को नेचुरल साइंस के पे अलाइन करो वे कंटेंडेड दट सोसाइटी इज ऑल्सो बाय सर्टेन फिक्स लॉज और सोसाइटी प्रेडिक्टेबल है क्योंकि सोसाइटी प्रेडिक्टेबल है आप उसको किसी टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हो एक थ्योरी डेवलप कर सकते हो क्योंकि आपको पता है आगे क्या होने वाला है जैसे मैंने अभी आपको बोला कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट भी पॉजिटिविज्म पे बिलीव करता था कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट मार्क्स क्या कहते थे हमें इन डिटेल पढ़ना है मैं आपको थोड़ा बता दूं कि पहले आपकी सोसाइटी प्रिमेटिव सोसाइटी थी फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में आ गए फिर आप आगे मॉडर्न सोसाइटी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जब ये कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा फ्यूचर में क्या होगा ये प्रिमेटिव कम्युनिज्म जो है इसका एडवांस्ड कम्युनिज्म वर्जन आ जाएगा और वो क्या होगा उसमें फिर से एक क्लासलेस सोसाइटी डेवलप हो जाएगी फाइन तो उस सोसाइटी में कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी तो ये फ्यूचर की बातें कर रहे हैं ये नेक्स्ट सोसाइटी जो आने वाली है उसको प्रोडेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो इसीलिए ये भी आ, हम बोलते हैं कि ये भी स्कूल ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट है पहले मैं आप कर देती हूँ मैं इसे बड़ा इरिटेट होती हूँ जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो भी पॉजिटिविज्म को ही मानता था पॉजिटिविज्म का क्या बिलीफ है कि आप प्रोडिक्ट कर सकते हो सोसाइटी प्रोडिक्टेबल हो जाती है कार्ल मार्क्स ने भी क्या किया एक फ्यूचर सोसाइटी कि हम एक एक ऐसी सोसाइटी में आएंगे जिसको हम बोलते हैं एडवांस्ड कम्युनिज्म एक सॉरी ये एडवांस कम्युनिज्मी थी यहाँ से एक ऐसी सोसाइटी में आएंगे जिसको बोलते हैं एडवांस ठीक है तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने एक फ्यूचर की बात की थी तो वही क्या हुआ नेक्स्ट सोसाइटी को आपने प्रोडिक्ट किया था कहा

इस वजह से आप इसको नेक्स्ट सोसाइटी कौन से आएगी उसको प्रोडक्ट कर सकते हो और इस uh, के टाइम uh, ये क्या ये अप्रोच क्या कहता है कि जो बिहेवियर ऑफ मैन है इज ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड सब्जेक्टिविटी नहीं है ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड मतलब आप बिल्कुल अनबायस्ट रह के अपनी स्टडी कर सकते हो आप बिल्कुल अनबायस्ड अप्रोच के साथ अपनी स्टडी कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी प्री प्रीकन्सीव नोशन एंड द स्टेटमेंट्स बेस ऑन ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कैन बी मेड लीडिंग इन टू फॉर्मुलेशन ऑफ थीयरीज ठीक है एक तो ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड आप डेवलप कर सकते हो कॉज एंड इफेक्ट पे आपको ध्यान देना है और फाइनली आप थियरी फॉर्मुलेट करोगे ये नेचुरल साइंसेस पॉजिटिविज्म का मानना था सोशोलॉजी so, जो है एज अ डिसिप्लिन विच एम्स एट एम्प्लॉइंग प्रिंसिपल सिमिलर टू दो इन नेचुरल साइंसेस ठीक है ये मैंने हमें डिस्कस कर लिया ही फर्दर स्टेटेड काउंटे ने क्या कहा था सर्च फॉर लॉज ऑफ रीजन एज वेल एस ऑब्जर्वेशन पॉजिटिविज्म दस ऑलसो एम्स इट अंडरस्टैंडिंग सीक्वेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ठीक है कॉज एंड इफेक्ट की बात आपको बोली आप कॉज एंड इफेक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में देखते हो फॉर एक्जाम्पल आप पानी बॉयल कर रहे हो वो कॉज है इवेपोरेशन हो रही है वो इफेक्ट है तो इन चीजों को अप्लाई कर सकते हो आप अपनी सोसाइटी की स्टडी में इन्हें कहा था सोशोलॉजी जो है लास्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड साइंसेस ये हमने बोल दिया इन्होंने चार मेथर्ड ऑफ फॉर द स्टडी ऑफ न्यू डिसिप्लिन दिए थे फोर मेथड्स ऑब्जर्व करो चीजों को मतलब इट शुड बी ऑब्जर्वेबल एक्सपेरिमेंटेशन करो उनकी वो आप पे एक्सपेरिमेंट करने कर पाने चाहिए वो टेस्टिफाइबल होनी चाहिए आपकी जो भी थियोरीज है जो भी रिसर्चेस हैं हिस्टोरिकल एंड कम्पेरेटिव दैट मींस हिस्टोरिकल एवोल्यूशन आप देखो पुरानी सोसाइटीज कैसे हिस्टोरिकली इवॉल्व हुई वहां का कॉन्टेक्ट स्टडी करो फिर नया कॉन्टेक्ट स्टडी करो और कंपेरेटिव मीन्स आप क्रॉस सेक्शनल स्टडीज करो क्रॉस कल्चरल क्रॉस सोसाइटी स्टडी करो एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी के साथ कंपेयर करके ठीक है उसने कहा था स्कोप क्या है न्यू पॉजिटिव न्यू पॉजिटिव सोशल साइंस का एज सोशल डायनेमिक्स एंड सोशल स्टेटिस्टिक्स ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप देख लें लेटर दुर्खेम ने क्या किया ले डाउन फर्दर प्रिंसिपल स्पेंसर ऑल्सोज ऑनिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी अब स्पेंसर का टॉपिक भी हमने लास्ट टाइम बताया जिसमें मैंने आपको बोला डायसेक्श्रो बॉडी पहली बार हुई थी तो उन्होंने कहा था एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के कोऑर्डिनेट करके काम करता है फॉर एग्जाम्पल हार्ट अगर पंप कर रहा है ब्लड तो ही हर ऑर्गन पे ब्लड पहुंच रहा है अगर लिवर फिल्टर कर रहा है तो ही आपका जो बॉडी है वो क्लियर क्लीन रह रही है ठीक है हर अगर लिवर अपनी फंक्शनिंग बंद कर दे क्या इंसान सर्वाइव करेगा नहीं करेगा उसी तरह सोसाइटी का अगर कोई एक पार्ट फंक्शन ना करे तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ठीक है ये होगी पॉजिटिविज्म के चार एम्पेरिसिज्म एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये मैंने आपको कहा कॉज एंड इफेक्ट यू साइंटिफिक मेथड एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी बिल्डिंग आप इट शुड बी यू शुड बी एबल टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट और फाइनली फॉर्मुलेट करो थ्योरी अब जो हमने यहाँ पे सारा पढ़ा ये सारी बातें अगर आपको ऐसे याद नहीं रह रही होंगी तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना जो फर्स्ट टाइम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप क्या करोगे आप रिपीट करोगे लेक्चर ये लाइन्स आप रिपीट repeat, रिपीटेडली सुनोगे जब तक आपको समझ न आए आप देखते हैं क्या लिखा है मेन फीचर्स एसोसिएटेड विद पॉजिटिविज्म आर कि इट लेस पर्टिकुलर एम्फोसिस ऑन बिहेवियर दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व आप वही चीजें देखो जो डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर सकोगे क्योंकि उन्हीं चीजों पे आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकोगे अब वो चीजें जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है जैसे फीलिंग्स वगैरह मीनिंग्स इनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो वो आपके रिसर्च में वो आपके स्टडी में इंपॉर्टेंट नहीं होती है ठीक है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट एक्सटर्नल एम्फेसाइज uh, किया अपॉन अंडस्टैंडिंग द एक्सटर्नल रियालिटीज एंड रिजेक्टेड दी स्टडी ऑफ इंटरनल आस्पेक्ट्स लाइक मीनिंग्स एंड मोटर्स जैसे दुर्खेम ने स्टडी कहा था स्टडी करो सोशल फैक्ट्स को और दो हमें आगे दुर्खेम में डिटेल्स से हम पढ़ेंगे सोशल फैक्ट्स होते क्या है देखो ये कहते हैं जो सोशल फैक्ट्स हैं वो दे आर आउटसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल वो एक्सटर्नल रियलिटीज़ है वो इंटरनली एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो इंसान के अंदर है जैसे इंसान का साइकी इंसान के मोटिव फीलिंग्स नहीं अगर वो सुसाइड को स्टडी कर रहा है तो समझो सुसाइड एक सोशल फैक्ट है एक एक्सटर्नल रियालिटी है एक्सटर्नल रियालिटी और ना कि समथिंग इंटरनल तो पहले हर एरिया को आप एक सोशल फैक्ट समझो अकॉर्डिंगली उसकी स्टडी करो ये सोशल फैक्ट्स भी हम आगे के थिंगर्स के चैप्टर में हमें इन डिटेल पढ़ना है फिर किसको मिली कॉज एंड इफेक्ट को ये मैंने आपको बताया स्ट्रेस्ड अपॉन द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स सिमिलर टू दोज यूज इन नेचुरल साइंसेस ठीक है ने यूज की थी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अपनी थियोरी ऑफ फेमस स्टडी ऑफ सुसाइड में इसे फोकस किया अपॉन एम्पेरिसिज्म एंड रिजेक्टेड कॉमन सेंसिकल स्पेकुलेशंस क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिविज्म और कॉमन सेंस बिल्कुल ही ऑपोजिट है कॉमन सेंस आपको डेली की बातें बताता है और पॉजिटिविज्म क्या कहता है सिर्फ उन चीजों पे फोकस करो जिनको आप ऑब्जर्व कर करके एक्सपेरिमेंट कर सको ठीक है थोरीज ये बिलीव करता है थियोरीज बनाने पे और यूनिवर्सल लॉज पे प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द सोशल इवेंट्स की बात की जैसे मैंने आपको कार्ल मार्क्स का बोला वो भी एग्जाम्पल है एक पॉजिटिविज्म टेक्निक का क्योंकि उन्होंने भी एक सोसाइटी आने वाली जो सोसाइटी है उसको प्रिडिक्ट किया था इसने कहा था डिडक्टिव अप्रोचेस पे एम्फिसाइज किया था ठीक है अब डिडक्टिव क्या होता है ये टॉप डाउन अप्रोच है टॉप डाउन के पहले आप कोई हाइपोथेसिस बनाओगे बाद में उस पर रिसर्च करके उस हाइपोथेसिस को या तो ट्रू प्रूफ करोगे या तो उसको फॉल्सिफाई करोगे तो लेकिन टॉप डाउन अप्रोच है कि पहले एक हाइपोथेसिस बनेगा उसके अराउंड फिर रिसर्च बिल्ड होगी फाइनली जो पॉजिटिविस्ट थे, थे आर्ग्यू दैट तो सोशलॉजिकल नॉलेज शुड बी टेस्टेबल इनफैक्ट पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट ट्रू नॉलेज इज द वन विच कैन बी टेस्टेड ठीक है दस जो पॉजिटिविज्म है उन्होंने ग्लोरिफाई किया ह्यूमन बिहेवियर को एंड वर्किंग ऑफ सोसाइटी क्या है प्रोडक्टेबल और इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो कंक्रीट टर्म्स में क्योंकि जो चीज प्रोडिक्टेबल है उसको आप क्वांटिफाई भी कर सकोगे ठीक है जैसे इन्होंने समझा कि सोसाइटी प्रोडक्टेबल है मार्क्स ने तो इन्होंने आपको कंक्रीट टर्म्स में बोला कि आने वाली कौन सी सोसाइटी है उस सोसाइटी में क्या होगा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मार्क्सिस एंड फंक्शनलिस्ट जो है दे फॉल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिविस्ट एज दे मेक डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोडिक्टिव स्टेटमेंट अबाउट द सोशल एक्टर्स ठीक है ये बात मैंने आपको बताई फंक्शनलिस्ट कौन से होते हैं ये कहते हैं आपकी हर सोसाइटी जो है हर पार्ट ऑफ सोसाइटी जो है वो फंक्शनल है दूसरे पार्ट के लिए और वो इकट्ठे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और एक पार्ट की वजह से ही सारी और इस यूनिटी की वजह से जो पार्ट्स के बीच में है आपकी सोसाइटी सरवाइव करती है अगर सोसाइटी में क्राइम है तो सर्टन अमाउंट ऑफ क्राइम इज ऑल्सो वो ऑल्डो डिवेट बिहेवियर है बट दैट इज ऑल्सो फॉर योर सोसाइटी कुछ अमाउंट ऑफ क्राइम होना चाहिए ताकि जब उनको सजा मिले बाकी लोगों को पता चले हमें ये क्राइम नहीं करना है ये फंक्शनलिस्ट का बिलीफ था ठीक है हाउ एवर इट वॉज सून रियलाइज की जो सोशोलॉजी है इसको आप डेवलप नहीं कर सकते प्योरली पॉजिटिविस्टिक डिसिप्लिन पे रीजन क्योंकि आप इंसानों के साथ डील कर रहे हो मेरे अपनी फीलिंग्स मोटिव्स हैं आप उसको साइडलाइन करके क्या स्टडी करोगे ठीक है primarily it was because sociology dealt with human element with the subjective conscience which cannot be deciphered totally by the objective method ठीक है हमारा एक subjective conscience है सब्जेक्टिव कॉन्शियंस है जिसको हम डिसिफर नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली बाय ऑब्जेक्टिव मैथड से अगर मुझे कोई क्वेश्चन ईयर दे दे फॉर एग्जाम्पल मैरिटल लाइफ के बारे में क्वेश्चन ईयर दे दे ऑल तो मैं उसमें टिक मार करके एक एक क्वेश्चन का हर आंसर दे सकती हूँ पर जब तक जो रिसर्चर है वो मेरे अंदर की फीलिंग्स मोटिव्स ठीक है मुझे नहीं समझेगा वो क्या आ, इस मैरिटल रिलेशन पे रिसर्च कर सकेगा तो आपका जो सब्जेक्टिव कॉन्च है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है अब देखो इसकी कुछ लिमिटेशन है वो हम आगे देखते हैं पहले एक बार इसका ये रिविजन कर लेते हैं हमने क्या बोला कि पॉजिटिविज्म क्या होता है मैंने आपको बोला साइंटिफिक मेथड से स्टडी करो ये सारी जो चीजें हैं इनको यहाँ पे क्रक्स में इसका ये लिखा हुआ है तो इन सब चीजों का क्रक्स क्या है एम्फेसिस किस पे किया है चीजों पे जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है एक्सटर्नल रियलिटीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंटिफिक मेथड की तरह स्टडी करो एम्पेरिसिज्म रिजेक्ट किया कॉमन सेंस को यूनिवर्सल लॉज बिल्ड कर सके प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द सोशल इवेंट्स आगे के जो आपके एक्टर्स एक्शन प्रोसेस हैं वो प्रेडिक्टेबल होने चाहिए डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं ठीक है और फाइनली इन्हें क्या कहा ये जो नॉलेज है इट शुड बी टेस्टेबल ठीक है आप उसको टेस्ट करने चाहिए दस इन्होंने ग्लोरिफाई किया आइडिया की ह्यूमन बिहेवियर एंड वर्किंग ऑफ सोसाइटी प्रेडिक्टेबल और उसको आप क्वान्टिफाई कर सकते हो अब ये चीज उनको पसंद नहीं आई उनका नाम हमने इनको पसंद नहीं आई जिनको हम नॉन पॉजिटिव बताते हैं उन्होंने कहा फीलिंग्स मोटिव एक्शन समझना भी जरूरी है तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म पहले ये देख लो द प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग सोशल साइंस इनटू अ ट्रू साइंस सिमिलर टू नेचुरल साइंस सून थ्रू ट्रबल सम ये कुछ पैरामीटर्स पे फेल हुआ जैसे ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है सोशोलॉजी में आप क्योंकि लोगों को स्टडी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ जाएगी क्वांटिफाइबिलिटी क्योंकि पूरा प्रोडक्ट नहीं कर सकते नई सोसाइटी को और आप इमोशंस को क्वांटिफाई कैसे करोगे की मेरे में टेन परसेंट इमोशंस है आप में ट्वेंटी परसेंट इमोशन है ऐसा नहीं हो सकता यूनिवर्सल टेस्टिबिलिटी क्योंकि हर सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट होती है हर फैमिली दूसरी फैमिली से डिफरेंट होता है एक Uh, होती है फैमिली डिफरेंट एक दूसरी दु, फैमिली से होता नहीं सॉरी अगर एक हाथ में पांच उंगलियां हैं ये भी बराबर नहीं है एक घर में पांच सिबलिंग्स है वो सारे सिबलिंग्स उनका नेचर अलग होगा तो बिल्कुल हम यूनिवर्सल लॉस एक सोसाइटी के लिए कैसे लेके आ सकते हैं सोसाइटी तो बनी इंडिविजुअल से है ना जब एक फैमिली के सारे मेंबर्स सेम नहीं है तो एक सोसाइटी में जहाँ हजार फैमिलीज हैं वो हजार फैमिली सेम कैसे होंगी तो यूनिवर्सल टेस्टेबिलिटी भी नहीं है इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी वो मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है क्या होता है तो इन सारी चीजों में क्या है इन सारी चीजों के पैरामीटर्स पे ये फेल होता है पॉजिटिविज्म का अप्रोच अब क्रिटिसिज्म में देख लेते हैं लाइक पीटर बर्जर नॉमोलॉजिटेंटेड फैक्ट्स जो थे दे डू नॉट फॉल फ्रॉम स्काई बाई डेवलप इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स ठीक है फिर मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि आपने सेंसरी ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो लोग क्या कहते हैं या जनरल लॉज क्या बने उसके बजाय कि आप क्या सेंस कर रहे हो अगर आप किसी चीज को देख रहे हो आप कैसे देख रहे हो उसको अगर आपने एक फ्लावर को देखा है आपके सेंसेस क्या कहते हैं कि आपको दिखता कैसा है स्मेल कैसा कर रहा है टच कैसा है तो उन चीजों पर आप सोसाइटी को स्टडी करो ना कि जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी थियोरी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं या जो बड़ी लॉज बन चुके हैं सोसाइटी में ठीक है इन्होंने कहा फैक्ट्स किसी एक कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होते हैं तो आपके लिए कॉन्टेक्स्ट पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये रियलाइज हुआ कि जो डिडक्टिव अप्रोच है इट इज लेस फ्रूटफुल इन सोशियोलॉजी एंड इन हमें एक इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करनी चाहिए डिडक्टिव मैंने आपको बोला टॉप डाउन है इंडक्टिव अप्रोच क्या है डिडक्टिव में पहले आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो उसके रिसर्च बिल्ड करते हो इसमें आप कोई इंपेरिकल डेटा लेते हो जो ऑलरेडी बना हुआ है उस डेटा से आप अपनी जो रिसर्च है वो स्टार्ट करते हो फॉर एक्जाम्पल केस स्टडीज अगर आप किसी की केस स्टडी पढ़ते हो उस पर रिसर्च डेवलप करते हो बिल्ड करते हो तो दैट मीनस आपकी ऑलरेडी जो एम्पेरिकल एनालिटिकल डेटा है वो आप फर्दर एनालाइज कर रहे हो वो डेटा आप देख रहे हो ठीक है जैसे आपकी केस स्टडीज वगैरह होगी और उसमें आप क्या करते हैं हाइपोथेसिस बिल्ड करके अपनी रिसर्च जो है उसके अराउंड आप बनाते हो देखो मॉडर्निटी एंड चैलेंज इन यूरोप क्वेस्ट फॉर फॉर पॉजिटिव सोशोलॉजी ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ये डायग्राम नीड थी फॉर दी दिंसिपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल प्रोडिक्टिबिलिटी इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल साइंस अब देखो नीड क्यों थी क्योंकि काफी बुरा टाइम चल रहा था सोसाइटी का हर साइड से प्रॉब्लम थी और उन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में आपका साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा था कि साइंस जो है वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी तो उन्होंने सोचा जब साइंस लोगों की बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो साइंस सोसाइटी की प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करेगा इस नीड की वजह से इमरजेंस हुआ पॉजिटिविज्म का सोशोलॉजी में लिटमस टेस्ट ऑफ साइंस पे ये बात में साइंस का लिटमस टेस्ट हुआ इंटर सब्जेक्ट रिलायबिलिटी नहीं हो रही थी ऑब्जेक्टिविटी मतलब पॉसिबल नहीं थी क्वान्टिफाइबिलिटी भी नहीं हो सकती थी और यूनिवर्सल टेस्टेबिलिटी एंड थ्योरी बिल्डिंग भी पॉसिबल मतलब वो पूरी हंड्रेड परसेंट पॉसिबल नहीं थी क्योंकि आप यहाँ पे लोगों को स्टडी कर रहे हो ठीक है तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो साइंस ने आपको दे रही थी नीड डेवलप हुई फॉर दी नॉन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच आगे देख लेते हैं पॉजिटिविज्म जो था ये एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी रियलिटी की क्योंकि रियलिटी में आपको फीलिंग्स मीनिंग्स एक्शंस जो एक्टर्स ने दिए होते हैं अपने एक्शंस को वो फीलिंग्स और मीनिंग्स मोटिव्स वो आपको समझना जरूरी है जो इग्नोर करते थे पॉजिटिविस्ट और कहते थे सोशल फैक्ट एज ट्रीट करो सबको और सोशल फैक्ट्स को स्टडी करो तो वेबर ने कहा सोशल एक्शन पे एम्फेसाइज करो ना कि सोशल फैक्ट पे Or positivists were also criticized for overemphasis on universalism which is not possible in sociology women example साइंटिफिक मैथड्स हैिटी इन सोशलॉजी क्यू क्योंकि सब्जेक्टिटी है और कौन सा आप मैथ यूज करोगे उसमें भी सब्जेक्टिविटी आती है जैसे इन्वेस्टिगेटिव मैथड से आपके सर्वेज वगैरह क्वेश्चन वो कहा जाता है की उसमें बाइस होता है टुवर्ड्स दार्टिसिपेंट्स आप अपने क्वेश्चन चूज करते हो देखो सिंपल सी बात आप एक सर्वे बना रहे हो तो किस टाइप के क्वेश्चन आप पोज करो किस टाइप के क्वेश्चन आप चूज कर रहे हो किस चीज को आप सर्वे कर रहे हो आप जहां सोसाइटी से रिलेटेड हो वहां कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी आएगी आपके चॉइस ऑफ टॉपिक में सब्जेक्टिविटी आ जाती है तो ये प्रॉब्लम भी है know, ने कहा सोशल लाइफ जो लेयर्स में एग्जिस्ट करती है पॉजिटिविटी सिर्फ है सिर्फ ऊपर की लेयर्स इसकी जो इतना सब इन डेप्थ है वो पॉजिटिविटी नहीं करता है पॉजिटिविस्ट एक्सप्लेनेशन आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू टेस्ट कंट्ररी टू देयर क्लेम जो अपने एक्सप्लेन करते हैं कि साइंटिफिकली टेस्ट करो इसको तो आप मैन को ले जाके किसी ह्यूमन बींग को लेके लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकोगे मतलब क्या आप 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 टेस्ट 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 कर 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 लो कितना आप टेस्ट कर लो? आप आप टेस्ट कर कितना लोगे कितने जो पैरामीटर्स उसको रहे हो उनको वैरी करोगे ये कोई वैसी चीज थोड़ी आप टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर कम करो तो आप किसी एक डिवाइस को मेजर करो या आप ह्यूमन बींग के साथ डील करो तो इसीलिए कॉन्ट्रेड टू देयर क्लेम वो डिफिकल्ट एंड टू टेस्ट ठीक है पॉसिबल फॉल आउट जो है ऑफ दॉजिटिव सोशोलॉजी उन्होंने बेसिकली क्या किया उन्होंने सपोर्ट किया उन्होंने जस्टिफाई किया रेशल सुपीरियरिटी को भी ये इसका एक डेंजरस फॉलोआउट है क्योंकि उन्होंने ओवर एम्फोसाइज किया साइंटिफिक सोशल थियरीज सोशल थियरीज बनी है जो रेसिस थियरीज भी है रेसिज्म भी है रेसिज्म है उसने उसको भी क्या किया साइंटिफिकली स्टडी करने की कोशिश की अगर आप साइंटिफिकली स्टडी करो तो एक रेस को उन्हें सुपीरियर बोला एक रेस को इन्फीरियर बोला और वो सारी चीजें वो क्या कर रहे हैं बिहाइंड मतलब अंडर द गार्ब ऑफ साइंस अंडर द गार्ब ऑफ साइंटिफिक मेथड ठीक है और मार्क्स जो है मार्क्सिज्म कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले उन्होंने उनका साइंटिफिक मार्क्सिज्म क्योंकि वो भी पॉजिटिविस्ट फिलोसफी के थे तो उनकी फिलोसफीज फिलोसफी की वजह से ग्रेट मिजरीज कहां पे आई, कंट्रीज में वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ लोगे फॉल ऑफ यूएसएसआर वगैरह और सोसाइटीज कैसी थी अथॉरिटेरियन रेजीम क्या था लोगों का बुरा हाल हो रहा था करप्शन भी फैल रहा था तो वो सारी प्रॉब्लम भी सोसाइटी ने फेस किए हैं जिन्होंने पॉजिटिविस्ट फिल, फिलोसफी को अपनाया इन शॉर्ट जो पॉजिटिविज्म है इट लूज दस रिड्यूसिंग एंटिटीज डिटर्मिन बाई दैचुरल फोर्सेज ठीक है वो बाद में एक्टर नहीं रहते वो बाद में एक एंटिटी रह जाती है आप उसको आप इंसान को इंसान नहीं समझते हो पॉजिटिविट पॉजिटिविज्म में हाउ एवर एक बे अचीवमेंट है की दे फ्री सोशल साइंसिस फ्रॉम द क्लासेस ऑफ रिलीजन एंड स्पेक्युलेटिव फिलोसफी क्योंकि चलो आपको एटलीस्ट ये एनकरेज तो करते हैं साइंटिफिकली स्टडी करो पहले तो ये ना कि रिलीजन में बोला है तो बस खत्म हो गया इसके आगे कोई बात नहीं होगी फाइन जो आपने आपके पोप ने बोल दिया तो बस वही है इसके आगे कुछ नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिविज्म आपको एनकरेज कर रहा है कि साइंटिफिक स्टडी करो क्या साइंटिफिकली ये चीज है ठीक क्या लॉजिकल है क्या रैशनल है तो आपने आ, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविज्म ने सोशोलॉजी को कुछ नहीं दिया उस, उसने काफी एनरिच किया है सोशोलॉजी एज डिसिप्लिन को और ये जो लाइन आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हो आपको कंक्लूजन हमेशा आंसर को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना होगा और इन्होंने दस ऑफ लेकिन इन्वेस्टिगेशन इन सोसाइटी ठीक है इस टॉपिक में इतना ही पढ़ते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया होगा एक गो में तो आप लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं अब मैं कम कम करके क्यों पढ़ा रही हूँ बाद में मैं एक ये भी लेके आऊंगी जिसमें मैं चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री जल्दी जल्दी वीडियोस बना के इसका रिवीजन वो मुझे किसी ने कहा भी कमेंट्स में कि रैपिड फायर टाइप का बनाए फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर तो वो भी मैं लेके आऊंगी लेकिन पहले आई वॉन्ट के आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप बोर ना हुए पढ़ते पढ़ते ठीक है उसके बाद ऐसे वीडियोज भी आएंगे की छह वीडियोज में सोशोलॉजी सारी रिवाइ लेकिन वो रिविजन वाले होंगे तो इसीलिए पहले आपको ये इन डेप्थ समझना जरूरी है जब ये कंप्लीट होने वाला होगा तो रिविजन सीरीज लेके आएंगे जिसमें दो चार वीडियोस में पूरा पार्ट रिवाइज हो जाएगा और दो चार वीडियोस में पूरा पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा और अगर ये चीज़ें आप अभी से समझ लो तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक्स भी आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर्स भी आपके इजी हो जाएंगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू तो माय चैनल गिव द थम्स अप एंड टिल द टाइम ने आप नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे